back to my new vlog. तो उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपने स्कूल और ट्यूशन की, देख सकते हो आप। दीदी मुझे काम दे रही है। गाइस देखो एसी चल रहा है और देखो मम्मी एक बजे दवाई लेने गई है। हमारी है मम्मी हमारी 1 बजे दवाई लेने गई है। तो क्या हो गया? और मम्मी को बाबू किसी ने पकड़ लिया तो क्या करेंगे हम, बताओ? अगर छोटी वाली 11 पे आ गई और बड़ी वाली 1 पे आ गई तो 1 बज गया। 11 पे नहीं 1 पे आ जाएगी छोटी वाली, और बड़ी वाली भी 1 पे आ जाएगी 12 पे, फिर 1 बज जाएगा। और आज लवी ने मैगी खाई है ना, अब मैं बनाने जा रहा हूँ तो ये नहीं दूंगा। क्यों मैं नहीं दूंगा? तूने खा ली ना अपनी, मैंने तूने खाई है, झूठ मत बोल। नहीं खाई है, नहीं मिलेगी तुझे, नहीं मिलेगी। तो गाइस अभी स्कूल से तो मैं आ गया हूँ, और बाकी आज मैंने ये कुर्ता डाल रखा है, और पता नहीं क्यों इसका कलर थोड़ा फेड हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है घर में पहनने में, क्या ही बुरा है। और लवी यहाँ पर अपना पढ़ाई कर रही है, बाकी मम्मी जी गई हैं दवाई लेने, उसका सीक्रेट मैं आपको बाहर जाकर बताऊंगा। और बाकी यहाँ पर देखो लवी और टीशा, यहाँ पर मतलब टीशा लवी को पढ़ा रही है, लवी यहाँ पर पढ़ नहीं रही है, ओनली लेटी हुई है। और गाइस आज का मेरा टेस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ, आज था कंप्यूटर का टेस्ट और कल। हाँ अभी अभी कहाँ आई तू, तो 11:30 की आई है। टीशा 10 बजे ही आ गई थी, 9:30 बजे आई है। टीशा तो 9:30 बजे ही आ गई थी। टीशा की आज टेस्ट था ना, टीशा की हुई थी 9:20 पे छुट्टी। तो हाँ टीशा का आज टेस्ट था, टीशा का भी, टीशा के अभी 4 टेस्ट और रह गए हैं, 4 और मेरे 1, 2, 3, 4 ही मेरे रह गए हैं, 4 टेस्ट रह गए हैं। बट टीशा का लास्ट है 24 का, इसके 3-3 दिन के गैप पे हो रहे हैं, और मेरा लास्ट है 20 के लिए 18 का है लास्ट। 19 की पीटी है, 20 से हॉलीडे स्टार्ट, फिर हम जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने, मतलब अच्छी अच्छी जगह घूमने चलेंगे। और मैं क्या कह रहा था कि मतलब ये लोग तो मैगी खा के फ्री थे, मतलब मैं आया ना तो बाहर वाले कमरे में प्लेट्स पड़ी थी, मैंने कहा यार मुझे भी भूख लग रही थी। तो अभी फ़िलहाल मम्मी जी तो मैंने जैसा कि बताया दवाई लेने गई हैं, और अभी चलो फिलहाल मैं अपनी मैगी बना लेता हूँ। मम्मी जी आ गई, तो वैसे मैं आपको बता दूँ कि मम्मी दवाई लेने नहीं गई थी, सामने मयंक के घर पर उद्यापन था, उद्यापन बोलते पता नहीं कथा वगैरह क्या लाई होंगी मम्मी जी, मम्मी जी मेरे लिए फ्रूटी लाई होंगी। तो गाइस मैं बता दूं कि मयंक के घर पर नहीं आई, वो अम्मा जी की आवाज़ थी, तो मयंक के घर पर हुआ था उद्यापन, तो वहाँ पर मम्मी जी गई हैं लवी से झूठ बोलकर। चलो देखते हैं अभी बाहर में से आ गई। ओहो आप तो मम्मी ने साड़ी पहनी है, अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है, मैं सच में मजाक नहीं कर रहा, मस्त कर रही हूँ। गाइस देखो जब मम्मी जी साड़ी पहनती है तब ज़्यादा अच्छी लगती है, है ना अम्मा? आपको साड़ी में ज़्यादा अच्छा लगता है और सूट में? वैसे आप लगती साड़ी में ज़्यादा अच्छी हो, पर आपको कंफर्टेबल नहीं रहती ना साड़ी। और बाकी अभी यहाँ पर टीचर लवी आओ पढ़ो, ये क्या लाई है मम्मी जी? अच्छा वो मयंक के घर से मिला है, आप मम्मी जी को एक जगह से और मिला था, तो वो पूरा लवी ने कल से लेके डोल ले थी, खराब कर दिया, अब आज मिल गया उसे भी खराब करेगी, उसी पुराने वाले को निकाल लिया। तो गाइस अभी लवी तो फिलहाल पढ़ रही है, और देखो पढ़ते पढ़ते कैसे मस्त आ रही है इसे देखो। क्या डांस स्कूल में डांस करवाते हैं हम, इसके आज तो टेस्ट था, और इसके लिए मैंने आज में जल्दी छुट्टी कर दी। इस पर डांस कराया 10 बजे तो आ गई थी। 10 बजे चलो तू भी तो 10 बजे आई थी, 10:30 बजे आती है, 11 बजे देखो मेरी इतनी अच्छी सी दास है धनुष, क्या इतनी अच्छी सी, इतनी अच्छी सी क्यूट सी लवी की स्टाइलिश पेंसिल है, तो लवी की स्टाइलिश पेंसिल है। दिखाइयो एक बार सामने की तरफ करके, दिखाइयो कैसी है। ओ भाई चलो अच्छा क्लेचर है, चलो करो जल्दी 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 करो कैसे। और बाकी इसका लवी का बुक सेट देखो कितना पुराना टाइप का हो गया, लवी ने घिस दिया पूरा अच्छे से, मिट्टी विट्टी लगा दी है बढ़िया तरीके से। अरे ऐसे ही बना, मैगी मैं बना नहीं रहा बिकॉज मैगी खाने का मेरा मन नहीं है, और कल मेरा टेस्ट है SST का, तो काफ़ी ज़्यादा टफ टेस्ट है, इसलिए अभी मुझे पढ़ना होगा थोड़ी देर बाद, मैं 10-15 मिनट बाद बैठूंगा पढ़ने के लिए।
तब तक थोड़ी देर चलो रेस्ट करते हैं, यहीं पर बैठते हैं थोड़ी देर। बाकी आपको तो पता ही है लवी हमारी ड्रामे करते रहती है। अभी अभी आपने देखा पेंसिल के ऊपर क्लेचर लगा के ड्रामे कर रही थी। आप देखो ये पढ़ने का स्टाइल है लवी का, है ना, लवी का ये पढ़ने का स्टाइल है। लवी इधर देखियो एक बार ही, इधर तो देख ऐसे पढ़ रही है। माँ ने मछली का लार, माँ तो हो गया उसको, नहीं भाव बनाया लास्ट दो तीन वर्ड्स रह गए यार अलावा। मैंने ना नया एक सिखाया, ये कौन सा यज्ञ है? लासे बताओ लट्टू कैसे बनता है? लासे लट्टू यार अलावा बताओ लासे लट्टू कैसे बनता है? ऐसे ऐसे हैं, ये कौन सा लासे, कौन सा स्टाइल है भाई, ये क्या है? क्या मैं सुपर हीरो? पीछे हो जा रहा था ये भाई, अलग अलग ड्रामे करती है। जैसा कि मैंने कहा आपको बताया हमारी लवी अलग अलग ड्रामे करती ही रहती है पूरे दिन, बिल्कुल नहीं स्टॉप होती। अभी ये देखो कहाँ भग गई पता नहीं, और टीशा बाकी पढ़ रही है, मैं भी अपना पढ़ ही रहा था। मैंने अपनी पढ़ाई कर ली पूरी। ये पागल है सच में लवी, आप पागल हो ना, दीवार में पड़ गई थी। गाइस मैं तैरने वाला सुपर हीरो हूं। तैरने वाला सुपर हीरो तैरो। ओ भाई दीवार पे चढ़ रहा हूं, चढ़ गया देखा दीवार पे, देखो गाइस मैं दीवार पे चढ़ गई। कहां चढ़ी? चढ़ तो गया दीवार पर छाड़। मैं तो फिलहाल मैं किचन में आ चुका हूँ, मुझसे रहा नहीं जा रहा मैगी बनाए बिना। तो आज हम मैगी बनाएंगे थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में, बट मैं मसाले वगैरह तो ज़्यादा एक्स्ट्रा करेंगे नहीं, बट हम ये डिफरेंट स्टाइल में बनाएंगे। डिफरेंट क्या, नॉर्मली है, बट हम वेजिटेबल वाली मैगी बनाएंगे थोड़ी अच्छी तरीके से, वेजिटेबल वगैरह डाल के बढ़िया तरीके से। वेजिटेबल काट लेता हूँ पहले, तो मैं लेके आता हूँ फ्रिज में क्या क्या पड़ा है सब चीज़ ले आऊँगा, ज़रूरत की चीज़ें। वेल गाइस कुछ ये चीज़ें मिल गई हैं, प्याज फ्रिज में थी और बाकी शिमला मिर्ची मैंने काट लिया आधी, तो ये है और अपनी गाजर है, तो बस बहुत है, इतनी सब्जियाँ काफ़ी रहेंगी। और जब ज़रूरत होगी शिमला मिर्ची या गाजर कुछ भी बढ़ा लेंगे, और या प्याज बढ़ा लेंगे कुछ भी बढ़ा लेंगे। तो चलो फटाफट से पहले इन्हें काट लेते हैं चाकू। अरे ओ भाई, 3, 2, 1 लेट्स गो। तो गाइज अभी फिलहाल अपनी कट तो रेडी हो गई हैं, और बाकी चलो अभी फिलहाल वेजिटेबल्स कट गई हैं, तो फटाफट से बिना किसी देरी के यहाँ पर पानी भी रखा हुआ है, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करते हैं और उसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं। गैस जलाई जाएगी सबसे पहले, यार जल्दी जलाई बंद कर दी मैंने, गैस जल चुकी है, थोड़ा सा पानी ऐड करना है अभी, बिकॉज मैं पीता हूँ एक मैं बिकॉज मैं खाता हूँ एकदम सूपी मैगी। तो चलो पानी ऐड करते हैं, उसके बाद वेजिटेबल्स बॉयल होने के लिए रख देते हैं। तो गाइस अभी पानी तो मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, अब इसमें डल गई हैं अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स। तो चलो फटाफट से ना बॉयल होने के लिए रख देते हैं, मतलब रख तो दिए हैं, बॉयल होने देते हैं फटाफट। तब तक निकालते हैं अपनी मैगी, यहाँ रखिए इस डिब्बे में, चलो निकालते हैं। तो गाइस मैगी निकल गई है, फटाफट से बॉयल होने देते हैं, उसके बाद मैगी डालेंगे। बस मैंने मम्मी जी से पूछा तो मम्मी जी कह रही हैं कि इनको ढक दे तो जल्दी बॉयल होंगी, तो अभी फिलहाल ये ढक देते हैं, गैस कर देते हैं हर किसी लो। बाकी ये देखो मैगी मैंने अपनी यहाँ निकाल ली, दो ही पैकेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे और अम्मा जी की खानी, अम्मा जी भी दो चम्मच खाती हैं बिल्कुल ज़्यादा नहीं खाती, तो मैं ही खाऊंगा जगभग अकेला ही, तो दो पैकेट बहुत है मेरे लिए। चलो बनाते हैं फिलहाल, जैसे बॉयल होने रख देते हैं और मैं चलता हूँ अंदर। चलो भाई टाइम है मैगी डालने का, मैगी डाल देते हैं, मसाला भी डाल देते हैं फटाफट, क्योंकि वेजिटेबल्स तो अपनी बॉयल हो चुकी हैं, फटाफट डालते हैं मसाले। तो गाइस अभी अपनी मैगी तो फिलहाल बनने लग गई है थोड़ी थोड़ी करके, पता नहीं क्या हो गया इसमें, इसका ये जो झाग आ रहे हैं ना ब्राउन ब्राउन टाइप के आ रहे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा मसाला ऐड कर दिया था अपने लिए टेस्ट के अनुसार। तो चलो फिलहाल बनने देते हैं मैगी, और देखो मुझे पसीना कितना आ रहा है ना, तो चलो बनने देते हैं, उसके बाद खाएंगे मैगी। वैसे तो मेरा कोई पर्पज़ नहीं था मैगी बनाने का, बट मैंने इसलिए बनाई बिकॉज आज रोटी बनी थी और आलू की सब्ज़ी बनी थी, मुझे कोई खास पसंद नहीं है आलू, तो इसलिए मैं मेरी मन भी नहीं था आलू खाने का, तो मैंने कहा मैगी बना लेते हैं, मैगी से रोटी खा लेंगे। तो चलो अभी फिलहाल बनने देते हैं फटाफट मैगी, और लवी भी पता नहीं कैसे उठ गई, अब लवी को भी देनी पड़ेगी मैगी।
कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे दो तीन चम्मच ही लेगी, वो भी ज़्यादा नहीं लेगी, मतलब एक प्लेट, एक प्लेट तो नहीं लेगी कटोरी। तो चलो बनने देते हैं मैगी, बस बनने ही वाली है, थोड़ी देर में नूडल्स बॉयल हो जाएंगे अच्छे से। फिलहाल मैगी तो बनकर लगभग रेडी है अपनी, तो चलो अभी फिलहाल इसे प्लेट्स में निकाल लेते हैं। मैं टी लवी और अम्मा जी खाएंगे, चलो खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस अभी फिलहाल मैगी वगैरह खाकर तो मैं फ्री हो गया हूँ, और बाकी अभी का सीन कुछ ऐसा है कि अभी 5:15 बज रहे हैं, मतलब 5:05 हो रहे हैं, तो हाँ अभी 5:05 हो रहे हैं। तो चलो अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, बिकॉज कल का मेरा है SST का टेस्ट, और SST में आपको पता है 3 सब्जेक्ट हो जाते हैं, तीनों में एक एक चैप्टर, तो ओवर लिमिट का टफ हो जाता है, इसलिए अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा। चलो अभी इस ब्लॉग को करते हैं एंड, होपफुली आप सब लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।